शादी की पहली रात शौहर ने उसका घूंघट उठाकर कहा, सुनो, ये शादी का एक जबरदस्ती का फैसला था। मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ, मगर मेरे घर वाले राजी नहीं हुए। मेरे अब्बा को दिल की तकलीफ थी, इसलिए उनके आगे लड़ ना सका मैं। मेरी हाँ एक मजबूरी थी। शायद मैं तुम्हें जिंदगी में वो प्यार नहीं दे सकूंगा जिसकी तुम हकदार हो। ये कहकर वो उठा और दूसरे कमरे में चला गया। वो लड़की गुमसुम बैठी खाली कमरा देख रही थी। मन में आया कि वो भी चीख चीख कर बोलते, एक तुम ही क्या, मैं भी किसी को दिलो जान से चाहती हूँ। मैं जिंदगी गुजारना चाहती थी उसके साथ। गरीब था और मेहनत करने वाला भी था, बस वो घर वालों को पसंद ना आया। मेरे पास और चारा ही क्या था। मैं भी बहुत मजबूर थी, मैं भी हार गई और मेरी तुमसे शादी हो गई। तुम मर्द लोग तो कह सकते हो, हम लड़कियां ये बात कैसे कहें। जज्बात थे कि लफ्जों का पैरन चाह रहे थे, जैसे कि कह रहे हों, ये चुप की रिवायत तोड़ दूं आज, तोड़ दूं, मगर हलक तक आते आते लफ्जों ने अश्कों की शक्ल ले ली। मेरी हर वालदैन से गुजारिश है कि जहां औलाद की मर्जी हो वहां शादी कर देनी चाहिए। बाद में पछताने से बेहतर है कि इंसान औलाद की खुशी को देख ले।